नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मंगलवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने यह बयान दिया है कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के मेडिकल में उपचार के दौरान 17 अप्रैल दरमियानी रात्रि ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। बाद में मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया था। मेरा छोटा भाई था पवन केवलानी, मैंने 14 अप्रैल को कोविड के लिए चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज गया था। वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया, उसके दौरान उन्होंने बोला कि इनको कोविड है, इसको एडमिट कर देते हैं। हम बोले ठीक है। तो 14 से लेकर 17 तारीख तक बढ़िया था, ठीक था। और 17 तारीख की रात को हम एक बार और देखने गए लगभग 11 बजे, तो वहाँ देखे तो उसके पल्स 90-91 चल रहा, लगभग नॉर्मल होने लगा था। तो आधी रात को इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, जिसमें सुबह हम गए वहाँ देखे तो बॉडी एकदम पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। और वहाँ देखे तो एक नहीं करीबन 15 से 20 बॉडियाँ, लगभग 16-17 कह सकते अपन, हाँ 16 ही थी बॉडियाँ, कन्फर्म है 16 बॉडियाँ एक साथ ख़त्म हो गई। और उसके बाद कलेक्टर साहब आए और डीम साहब ने भी, उन्होंने भी स्पीच दिया कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से यह मौतें हुई हैं। और अभी सुनने में आ रहा है, संसद में कहा गया कि आपका ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें नहीं हुई हैं। ये क्या है, कैसा है, मुझे जानकारी नहीं, परंतु हमारे सामने जो घटना हुई थी, हमारा छोटा भाई ख़त्म हुआ, सब कुछ वही था मेरे लिए। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब ख़त्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है, 62 बेड तो उसमें ICU के हैं, 25 बेड प्राइवेट में है, उसके अलावा 18-1 का HDU है, हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। ICU में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं। फिर ऑक्सीजन ख़त्म हुई जब रात में, पता नहीं कि कितना बजे ख़त्म हो गए ऑक्सीजन। 6 बजे हम लोग का फोन आगा, राम कुमार फोन करी कि अम्मी घर, यहाँ घर से जल्दी आओ हॉस्पिटल। मैं कहूँ का हो गए, मैं सोचो घबराहट हो ऐसे टाउन से रे बुलाओ थे, तो हम लोग खाना वाना नहीं बनाए, अध बनाते फिर हम यहाँ से बहू को लेके और अपने पति के साथ चली गई। जाने के बाद वहाँ बच्चा रो रहा था राम कुमार, तो बोले का हो गया, वहाँ तो सब भाग भाग के यहाँ उधर इधर उधर हो रहे थे सब कोई, और जिसका मरीज है वो वहाँ तड़प रहे थे रो रो के, और जो डेड बॉडी है उसको देखने के लिए तरस रहे थे सब कोई, कोई देखने नहीं दिया। जब हम लोग वहाँ से हम देखे डेड बॉडी और इनको वो करें, हम वहाँ से भाग गया है, हमको भगा दिए वहाँ से, जाओ घर चलो, मेरे मतलब रिश्तेदार बोले चलो तुम घर चलो, हम लेके आ रहे हैं। आने बाद भी यहाँ से रे हम नहीं देख पाए बच्चा को, बाहर बाहर फिर लेके और दफना दिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।